हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो हमारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर होता है 800 मॉडल, इसकी वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों इसमें यह फॉल्ट है कि जिस टाइम इसके मॉस्फेट की हीटसिंक गर्म होती है और यह बीप करने लग जाता है, ये देखिए, और मेन पर भी और यह आउटपुट पर भी अच्छी तरह काम करता है और चार्ज भी करता है इन्वर्टर को। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चलाकर, ये मैं इसे अपने डीसी के एमसी भी उठा देता हूँ, ये देखिए। और हमारा ये जो इन्वर्टर है ये चल चुका है, ये देखिए। इस पर यहाँ पर जो इन्वर्टर ऑन का इंडिकेशन है वो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। और अब मैं दोस्तों इसे मेन दे देता हूँ, ये देखिए। और हमारा यहाँ पर ये देखिए मेन कर आ चुका है और हमारे यहाँ पर चार्जिंग भी आ चुकी है, हमारे मल्टीमीटर में भी चार्जिंग आ चुकी है। और दोस्तों जब हमारे यहाँ पर हीट सिंक इस साइड की गर्म होती है, देखिए, और इसमें ये देखिए दोस्तों जो हमारी हीट सिंक की वायर है ज़्यादातर इसी कारण है, ये देखिए ये लूज है यहाँ पर, ये हमारी हीट सिंक की वायर है जो लूज है, ये देखिए आपको इसकी स्लिप ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये देखिए दोस्तों इसमें जो हमारे यहाँ पर एक डैड लगा होता है, ये देखिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका जो यहाँ पर ये डैड का यहाँ पर प्रिंट होता है ये भी जल गया है, ये दोस्तों इसी कारण होता है। और ये थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है हमारी हीट सिंक, जिसके कारण यह फिर बीप करने लग जाता है और यहाँ पर चार्जिंग वगैरह कुछ भी यहाँ पर इंडिकेशन इसके शो नहीं करते। जो हमारे यहाँ पर एलईडी पैनल होता है इंडिकेशन का, वो कुछ भी शो नहीं करता। और यहाँ पर हीट सिंक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, आप देखिए यहाँ पर गर्म हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल ही ठंडी है। तो दोस्तों अब मैं इसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले इसकी मेन बंद कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और इसकी पीसीबी है जो ये खोल लेता हूँ। अगर मैं इसे ज़्यादा देर रखूँगा तो इसके मॉस्फेट उड़ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले मैं इसकी हीट सिंक को यहाँ से खोल लेता हूँ, फिर इसके नट खोल कर इसके मॉस्फेट भी चेक कर लेता हूँ। कई बार मॉस्फेट भी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों इसके। अब मैं इस प्लेट को खोल लेता हूँ, जो हमारी वायर के ऊपर ये रबड़ है मैं इसे काट लेता हूँ पहले तो, इंसुलेशन है जो इसके यहाँ पर, और इसे चेक करता हूँ कि हमारी लूज है या नहीं। तो मैंने दोस्तों इसकी रबड़ ये काट लिया, मैं इसे निकाल लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने इसकी रबड़ निकाल लिया है। और ये दोस्तों इसकी यहाँ पर ये लूज है यहाँ पर जो इसका ये प्रिंट है, ये देखिए। अब मैं इसे यहाँ पर शोल्डर कर लूँगा अच्छी तरह, या तो आप इसके जो थिम्बल है ये निकाल कर इसे डायरेक्ट यहाँ पर नट कर सकते हो इसे अच्छी तरह से रेग मार की सहायता से साफ़ करके। अब मैं इसका डैड चेक करके और उस पर भी शोल्डर कर लेता हूँ, कहीं बार हमारा डैड भी उड़ जाता है। तो मैं इसे प्लेट को खोल लेता हूँ एक बारी और मॉस्फेट चेक कर लेता हूँ। मैंने इसमें से एक किट निकाल ली इन्वर्टर से, ये देखिए। अब मैं इसके जो ये डैड हैं हमारे ये वाले, इसे चेक कर लेता हूँ कि हमारे डैड ठीक हैं ये ख़राब हैं। तो हम दोस्तों मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रख लेंगे, ये देखिए दोस्तों। अब हम इसके जो डैड के प्रिंट है इस पर लगा कर, ये देखिए हमारे यहाँ पर वोल्ट आ चुके हैं मीटर में, इसका मतलब हमारा ये डैड ठीक है। हमें दूसरे डैड पर भी चेक कर लेता हूँ, ये देखिए ये भी हमारा डैड ठीक है। मैंने मीटर की जो, अब मैं देखिए इसे यहाँ पर चेक करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है मीटर में, ये देखिए। इधर से भी चेक कर लेता हूँ मैं, तो दोस्तों जो हमारी ये रीडिंग आई थी ये कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से आई थी, ये देखिए हमारे साइड कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ये देखिए। अभी हमारी ये रीडिंग जो आ रही थी वो बंद हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं इसका जो यहाँ पर प्रिंट है हमारा मॉस्फेट और हमारे जो डायड हैं वो ठीक है। अभी जो इस डायड का है दोस्तों, हम इस प्रिंट को यहाँ पर से भी ज्वाइंट कर सकते हैं, इसको हीट सिंक को खोल कर, या फिर हम इस नट के नीचे भी इस वायर को यहाँ से ज्वाइंट लगाकर जोड़ सकते हैं। पर कई बार वो ज्वाइंट इस हीट सिंक के यहाँ पर मिल सकता है, इसलिए हमें इसको अंदर ही जोड़ना होगा। दोस्तों इसकी हीट सिंक को खोलने के लिए, ये वाली हीट सिंक को, तो हमें सबसे पहले इस मॉस्फेट के नट खोलने होंगे और हमारे मॉस्फेट बिना निकाले यहाँ पर हमारी हीट सिंक बाहर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों मैंने इसके सभी नट खोल दिए हैं। अब जो हमारे यहाँ पर ये दो नट लगे हुए हैं हमें ये भी खोल लेने हैं, तभी हमारी हीट सिंक बाहर निकलेगी, ये देखिए।
तो अब दोस्तों ये देखिए हमारी हीट सिंक बाहर आ चुकी है और ये हमारे मोसफेट यहाँ पर अच्छी तरह ही लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी मोसफेट हमारा टूटा नहीं है निकालते हुए। ये देखिए और ये हमारी हीट सिंक है, ये हमारी अच्छी तरह निकल चुकी है यहाँ से और बिल्कुल आसानी से। ये देखिए अब जो इसका देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रिंट जला हुआ है, तो हम इसे यहाँ पर शोल्डर कर लेंगे और यहाँ पर कहीं भी इसको शोल्डर कर देंगे किसी वायर के साथ या कोई यहाँ पर थिम्बल वगैरह के साथ इसे अटैच कर देंगे। तो दोस्तों मैं इसे अटैच कर लेता हूँ। दोस्तों जो हमारे प्रिंट होता है इसका डायोड की तरफ से आ रहा होता है, ये हमारा मोसफेट की यहाँ पर बीच वाली लेग के ऊपर लगता है। अब मैंने यहाँ पर इसकी वायर कनेक्ट कर दिया। ये देखिए अब दोस्तों मैं इस वायर को यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ और फिर इसकी हीट सिंक लगा लेता हूँ और फिर इसे इन्वर्टर में फिट करके चेक करता हूँ कि हमारा फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं। हीट सिंक लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये हीट सिंक यहाँ पर लगा कर फिर इसके जो ये दो नट हैं ये बंद करने हैं सबसे पहले, फिर यहाँ पर जो इसके हीट सिंक पे नट लगेंगे यहाँ पर मोसफेट के वो लगाने हैं, तो मैं इसे लगा लेता हूँ। तो अब मैंने इसकी हीट सिंक लगा दिया। ये देखिए अब मैं इसे इन्वर्टर में पेट्रोल से थोड़े से यहाँ पर इसके जो मोसफेट पर हमने सोल्डरिंग किया उसे साफ़ करके फिर मैं इसे इन्वर्टर में फिट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने ये कार्ड इस पर लगा लिया है और ये देखिए जो इसकी यहाँ पर हीट सिंक के ऊपर वायर लगती है जो हमारी, ये देखिए ये काफ़ी लूज है। ये देखिए ये जो हमारे थिम्बल है कैसे घूम रहे हैं। ये देखिए ये थिम्बल निकल चुके हैं। तो दोस्तों इसी के कारण हमारा जो ये डायोड था ये उड़ा है और ये हमारे मोसफेट को भी उड़ा देगा अगर ये लूज रहेंगे। तो ये तो दोस्तों हमारी ये जो इधर वाली हीट सिंक की वायर है लंबी है, तो हमें यहाँ से इसे काट कर इसकी स्लीव को और इसे ही अच्छी तरह रेगमार से साफ़ कर कर यहाँ पर लगा लेंगे। और ये वाली हमारी दोस्तों छोटी है, ये देखिए यहाँ तक ये पहुँचती है पर इसी के साथ ही, तो इसको भी हम दोस्तों अगर जितना हो सके इसको अच्छी तरह शोल्डरिंग कर लेंगे। तो मैं इसे लगा लेता हूँ पहले शोल्डरिंग में और इसे यहाँ से कटिंग करके थोड़ी स्लीव और यहाँ पर फिट करने की जगह बना लेता हूँ इसकी। तो मैंने ये देखिए यहाँ से अच्छी तरह इसे साफ़ कर लिया है और इसे गुलाई करके इसकी इस नट के अंदर का साइज बना लिया है और इधर का जो हमारा छोटा था इसके ऊपर मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। ये देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा मैंने सोल्डर कर दिया है अच्छी तरह, इसके अंदर तक भर जाना चाहिए सोल्डरिंग, नहीं तो थोड़े दिन बाद फिर लूज हो जाता है। अब दोस्तों मैं इसे अच्छी तरह किट को फिट कर लेता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमें हीट सिंक के ही नट कसने होंगे तभी हमारी किट के नट सही तरह कसे जाते हैं। अगर हम इसे लगा कर किट को फिट कर कसेंगे तो अच्छी तरह नहीं कसे जाते। तो आप इसे फिट कर लें पहले यहाँ पर फिर नट कस लें। तो मैं अब इसे कर फिर किट को अच्छी तरह फिट करके फिर इसे चला के देखता हूँ। मैंने किट को इन्वर्टर के अंदर फिट कर लिया है देखिए और वार्सल लगा कर इन हीट सिंक की वायर को अच्छी तरह टाइट कर लिया है और जो हमारी थिम्बल वाली वायर थी ये वाली इसे भी अच्छी तरह सोल्डरिंग कर लिया है कि ताकि ये दोबारा ये लूज ना रहे। अब मैं इसे डीसी से कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी बैटरी से और इसे चला कर देखता हूँ। मैं डीसी के एमसीबी उठा लेता हूँ। ये देखिए आपको आवाज़ आ गई होगी, हमारा इन्वर्टर की पीसीबी चल चुकी है। ये देखिए हमारा इंडिकेशन आ गया है यहाँ पर, ये देखिए इन्वर्टर ऑन का। अब मैं इसे अपने सीरीज से कनेक्ट कर लेता हूँ, अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो हमें पता लग जाएगा। तो मैं इसे एक बार सीरीज से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने सीरीज में लगा दिया है और ये हमारा चेंज ओवर हो चुका है, मेन पर आ चुका है हमारा इन्वर्टर। ये देखिए ये मेन पर हमारी चार्जिंग इंडिकेशन भी आ चुकी है और हमारा बल्ब है जो भी ग्लो हो गया है। अब मैं इसे अपने 220 एसी के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए और मैं इसे मेन दे देता हूँ। ये देखिए अब ये देखिए हमारे यहाँ पर मेन लाइट आ चुकी है, इसके अंदर मेन ऑन हो गई है और हमारी जो चार्जिंग की इंडिकेशन है वो ब्लिंक कर रही है। ये देखिए और हमारे जो चार्जिंग एम्पीयर पर भी चार्जिंग आ चुकी है मीटर में, ये देखिए 10-15 एम्पीयर के आसपास चार्जिंग आ चुकी है। और जो हमारे हीट सिंक के वायर है ये अब है नहीं गर्म, जो पहले हमारे एकदम से ही गर्म हो जाते थे ऑन करने पर। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।